हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक सिंगल कैट सिक्स केबल के थ्रू दो कैमरा कैसे कनेक्ट करना है वो बता देता हूँ। नॉर्मली कैसे रहेगा, ऐसे दो स्विच कनेक्ट करके एक केबल आप बीच में रन करके दो कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप दो स्विचेस यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो दूसरी मेथड है, आप एक स्विच यूज़ करके दो बार केबल लगाना पड़ेगा दो कैमरा के लिए। अब बहुत 90 मीटर 100 मीटर होगा तो वो बहुत लंबा होगा, आपको खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इसके लिए एक डिवाइस यूज़ करके आप दो कैमरा एक ही केबल के थ्रू रन कर सकते हो। देख लीजिए, यही है वो डिवाइस। ये हाई फोकस ब्रांड से है, इसका नाम POE मल्टीप्लेक्सर है। देख लीजिए, ये मैक्सिमम आपको 130 मीटर तक सपोर्ट करेगा। सो आप 100 मीटर 110 मीटर हो रहा है तो ये डिवाइस यूज़ करके आप सिंगल केबल के थ्रू रन कर सकते हो। इसमें दो पार्ट आएगा, एक मर्जिंग कनेक्टर, दूसरा सेपरेटिंग कनेक्टर करके आएगा। देख लीजिए, ये डिवाइस निकाल के आप कैमरा एंड से डाल देना है। देख लीजिए, मेरे पास अभी 80 मीटर का केबल है, इसमें मैं चेक करता हूँ। ऐसा दो कैमरा कनेक्ट कर देना है एक एंड से। देख लीजिए, कनेक्ट कर लिया। अभी अब दूसरा एंड POE स्विच में कनेक्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये डिवाइस है ना, ये निकाल के POE स्विच में कनेक्ट कर देना है। देख लीजिए, कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपको नीचे देख लीजिए, वो लाइट ब्लिंक होना चाहिए। ब्लिंक हो रहा है तो आपको कनेक्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर टूल भी डाला है सिस्टम में, उसमें IP सर्च हो जाएगा। आने के बाद देख लीजिए, आप कनेक्शन फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे ही कनेक्ट करना है। देखिए, मैंने अभी दो कैमरा कनेक्ट किया है, दो कैमरा यहाँ पर सर्च हो गया। एक पार्ट आप कैमरा एंड से, दूसरी पार्ट स्विच में कनेक्ट करना है। स्विच से केबल निकाल के मैं PC को कनेक्ट किया है, उसमें मुझे सर्च हो रहा है कैमरा से। सो कनेक्शन आ रहा है, अब भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो प्रीमियर में भी। इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।